नमस्कार दोस्तों, एबीबी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में सिक्योर वीपीएन फास्ट ऐप क्या है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। दोस्तों इस ऐप का रिव्यू देखने काफ़ी अच्छा है क्योंकि 3.6 है और उसकी डाउनलोडिंग है वो 5 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप को यहाँ से आप अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इस ऐप को ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट कर लेनी है। उसी तरह से आने के बाद दोस्तों इधर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से कनेक्टिंग होने लगेगा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करनी है और वेट करने के बाद दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इधर से यहाँ से आपके सामने इसका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग हो जाने के बाद दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी और इसका जो भी वर्जन रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से ऊपर की साइड आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने स्टॉप का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल अपने सर्वर को डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हमारा जो भी सर्वर डिसकनेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से डिसकनेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इसी तरह से इस वीपीएन ऐप को आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।